सो लगा कि आपका भी इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी पर चले जाता हूँ तो देख सकते हो ये स्टोरी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते इसका साउंड नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं इससे पहले जो भी स्टोरी लगाया हुआ हूँ उसका मैं यहाँ पर आपको साउंड प्ले करके सुना देता हूँ। तो देख सकते हो इसका यहाँ पर साउंड आ रहा है, लेकिन इसका भी आ रहा है, लेकिन इस स्टोरी का जैसे कि इसका नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर आपको फुल साउंड देकर सुना देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक लोडिंग का यहाँ पर आइकन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपका भी इंस्टाग्राम स्टोरी का साउंड जैसे कि सुनाई नहीं दे रहा है। तो गाइस आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो आज के फिर बताऊंगा। तो गाइस ये छोटा सा प्रॉब्लम है, फिर भी गाइस मैं आपको जैसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इसको इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस उससे पहले चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम। तो गाइस यहाँ पर मैं सिंपल सा इंस्टाग्राम सर्च करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर अपडेट आया हुआ है। तो गाइस आपका भी इंस्टाग्राम पर यहाँ पर अपडेट आया हुआ है। तो गाइस आप सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को यहाँ पर अपडेट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर देता हूँ। इंस्टाग्राम को अपडेट करने के बाद क्या करना होगा, तो गाइस यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को देखते रहना। तो देख सकते हैं यहाँ पर 56% हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा टाइम लगने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम अपडेट हो चुका है। तो गाइस आपका भी कुछ तरह इंस्टाग्राम अपडेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते फिर से गाइस यहाँ पर अपना इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं अपनी स्टोरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हो फिर भी गाइस इसका ऑडियो यहाँ पर सुनाई नहीं दे रहा है जो भी स्टोरी का। तो गाइस आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको ऐप्स का सेटिंग मिलेगा, ऐप सेटिंग, डिफॉल्ट ऐप, ऐप्स कुछ भी मिल सकता है। जिसके यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ऐप्स का सेटिंग है। तो गाइस यहाँ पर कोई भी ऐप्स का सेटिंग नहीं मिलता है। तो गाइस आप यहाँ पर सर्च कर देना ऐप्स कुछ इस तरह। तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि ऐप्स का सेटिंग मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते मेरे को मिल चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। आपको भी यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके फोन पर जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को पता करना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम मिल चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते इंस्टाग्राम का सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टोरेज या तो गाइस इंटरनल स्टोरेज कोई भी मिल सकता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं स्टोरेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, क्लियर डाटा एंड गाइस क्लियर कैचेस। तो गाइस यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। आप क्लियर डाटा करते हो तो गाइस आपका आईडी यहाँ पर लॉग आउट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर आपको ओनली क्लियर कैचेस करना है। क्लियर कैचेस करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद जो भी साइड का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर। और गाइस यहाँ पर आपको बीच में रीस्टार्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना। तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, मोबाइल डाटा हॉटस्पॉट जो भी है, तो गाइस उसे अच्छा से चेकआउट कर लेना है। आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हो तो गाइस एक बार आप फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है सारे को क्लोज करने के बाद यहाँ पर फिर से गाइस अपने इंस्टाग्राम पर जाके किसी का भी आप स्टोरी देखते हो तो गाइस उस स्टोरी में आपको साउंड आ जाएगा, जैसे कोई भी साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस चलो आज के वीडियो में कुछ इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।